100 शहर 100 खबर। पीएमओ ने नहीं दिया मुख्यमंत्री केजरीवाल को मोदी से मिलने का वक्त। सूत्रों के मुताबिक एलजी पुलिस और एसीबी विवाद का मुद्दा उठाना चाहते थे दिल्ली के सीएम। आज तक को मिला पंकज मुंडे के मंत्रालय का एक और नया विवाद। 12 सीमेंट चेक डैम के लिए अयोग्य वाली कंपनी को दिया गया 1,63,00,000 का टेंडर। लंदन से लौटी चिक्की घोटाले में फंसी पंकजा मुंडे। एयरपोर्ट पर समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। महाराष्ट्र की बाल विकास मंत्री ने आरोपों को बताया सियासी साजिश। एक और नए विवाद में घिरे डिग्री विवाद में घिरे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े। 191 करोड़ के ठेके में अनियमितता का आरोप। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों को महाराष्ट्र के वित्त मंत्री ने किया खारिज। सुधीर मुंगटीवार बोले पुराने मामलों को दिया जा रहा है टूल। चेन्नई में आरके विधानसभा सीट पर जारी है वोटों की गिनती। आगे चल रही है तमिलनाडु की सीएम जयंता। समर्थकों में जश्न। केरल के अरुविक्करा सीट पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी। आगे चल रहे कांग्रेस के उम्मीदवार के सबरीनाथन। मध्य प्रदेश में मंदसौर में गरौठ उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। वोटिंग से पहले सीएम शिवराज पर लगा था वोटरों को लालच देने का आरोप। कानपुर में शिवसेना ने चिपकाया पोस्टर। लोकसभा चुनावों से पहले जनता से किए मोदी के वादों की दिलाई याद। एक महीने में करीब 55,000 आया केजरीवाल के घर का बिल। आम आदमी पार्टी के सफाई, सीएम से मिलने वालों को दी ठंडी हवा। बिहार में सुलगने लगा नालंदा विवाद। स्कूल के डायरेक्टर के पैतृक गांव में जबरदस्त गुस्सा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे गांव वाले। स्कूल डायरेक्टर की हत्या के खिलाफ नालंदा में भी बवाल। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। नालंदा में कृष्णापुर इलाके के थाना प्रभारी सस्पेंड। भीड़ ने पीट पीट कर की थी स्कूल डायरेक्टर की हत्या के बाद दो छात्रों की मौत के बाद भड़का था गुस्सा। व्यापम घोटाले के आरोपियों की संदिग्ध मौत को लेकर भोपाल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। व्यापम घोटाले में फिर एक आरोपी की संदिग्ध मौत। जमानत पर छूटे राजेंद्र आर्या ने ग्वालियर अस्पताल में तोड़ा दम। शनिवार की रात इंदौर जेल में हुई थी नरेंद्र कैलाश सिंह तोमर की संदिग्ध मौत। 4 महीने से जेल में बंद था व्यापम घोटाले का आरोपी। नरेंद्र कैलाश सिंह तोमर के परिजनों का आरोप। व्यापम की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी को बचाने के लिए मांगी थी 7,00,000 की रिश्वत। व्यापम घोटाले के आरोपियों की संदिग्ध मौत पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री का विवादित बयान। बाबूलाल गौर बोले मौत पर नहीं है किसी का वश, जांच की जरूरत नहीं। गौर के विवादित बयान से शिवराज के दूसरे मंत्री ने झाड़ा पल्ला। आगरा में कैलाश विजय वर्गीय बोले सीनियर मंत्री ने कुछ सोच समझ कर दिया होगा बयान। व्यापम घोटाले के आरोपियों की संदिग्ध मौत को लेकर कांग्रेस ने शिवराज को घेरा। सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में एसआईटी बनाकर जांच की मांग। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसानों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और विपक्ष के नेता जगदीश शेट्टार के बीच नोकझोंक। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के नाम पर बड़ा घोटाला। कई शख्स को 4-4 बार मिला मुआवजे का चेक। यूपी के देवरिया में लेखपाल ने 27 लोगों के नाम से पट्टे पर दी नदी किनारे की सरकारी जमीन। ग्राम प्रधान की मदद से किया खेल। शिमला में बन रहे प्रियंका गांधी के घर को लेकर सख्त हुआ हिमाचल का सूचना आयोग। सरकार को दिया आईटीआई आवेदक को जानकारियां देने का आदेश। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा झटका। एसीबी चीफ बने रहेंगे मुकेश मीणा। अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब। 11 अगस्त को अगली सुनवाई। बागपत में मीटिंग के दौरान मंच पर भिड़े दो विधायक। छपरौली के आरएलडी विधायक वीरपाल राठी और बड़ौद से बीएसपी विधायक लोकेश दीक्षित में हाथापाई। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सड़कों पर उतरे थे लोग। कोलकाता में सेना दफ्तर के बाहर जमा हुए करीब 500 पूर्व सैनिक। पुलिस के साथ ठेका खत्म किए जाने के विरोध में जताई नाराजगी। बैंगलोर में लोकायुक्त दफ्तर के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। जस्टिस भास्कर राव के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर की नारेबाजी। गुवाहाटी में सड़कों पर उतरे 26 आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता। कांग्रेस सरकार पर लगाया ऑटोनॉमस काउंसिल चुनाव में धांधली का आरोप। कर्नाटक के बेलगांव में गन्ना किसानों का प्रदर्शन। बीच सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारी घंटों तक लगाया जाम। दिल्ली में बिजली पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली से सटे गुड़गांव की सोसाइटी में बिजली और पानी की किल्लत। बिल्डर्स के खिलाफ लोगों का विरोध। तिहाड़ जेल में 2.5 फुट की दीवार काटकर एक कैदी फरार। दूसरा गृह मंत्री
तिहाड़ प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, एलजी और दिल्ली सरकार ने बिठाई जांच। मध्य प्रदेश के शाहडोल में पकड़ा गया गोधरा कांड का एक आरोपी, गुजरात एटीएस ने दबोचा, 4 साल से शाहडोल में रह रहा था इरफान कुरैशी। यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा थाने में जाकर राजनीति करना बंद कर दे पार्टी कार्यकर्ता तो सुधरेंगे हालात। हरियाणा में सरस्वती नदी की खोज के बाद शुरू हुई पूजा अर्चना, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगाए जयकारे। भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, देवघर में हेमंत सोरेन ने कहा जबरन नहीं लेने देंगे किसानों को जमीन। छगन भुजबल और उनके परिवार वालों की और बढ़ेगी मुश्किलें, बांद्रा रीडेवलपमेंट केस में भी एनसीपी नेता के खिलाफ दर्ज होगा एफआईआर। ड्रेस कोड विवाद को लेकर कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज के फरमान वापस लेने के बाद भी गुस्से में है स्टूडेंट्स। केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में पेश किया 14 चीजों पर वैट बढ़ाने का बिल, पेट्रोल डीजल पर 12.5 के बजाय 30% टैक्स का प्रस्ताव। केरल विधानसभा में जोरदार हंगामा, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे वित्त मंत्री पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में विपक्ष का वॉकआउट। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक, 18 जिले के जिलाधिकारी और कमिश्नर रहे मौजूद। राजस्थान के पाली में नई मिसाल कायम करेंगे बीजेपी के सांसद, गोदलिए गांव में ऑर्गेनिक तरीके से की जाएगी अनार की खेती। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिए चर्च गेट हादसे की जांच के आदेश, मुंबई में प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई थी लोकल, कई लोग हुए थे जख्मी। शुरू हुई वाड्रा लैंड डील मामले की जांच, अपनी टीम के साथ पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा ने संभाली तफ्तीश की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रसायन मिले पानी से दहशत, गांव वालों का आरोप कैंसर का शिकार हो रहे लोग। यूपी के फारुखाबाद में हड़ताल पर गए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर डॉक्टरों के साथ मारपीट का आरोप। गोरखपुर में मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने पीड़ित लड़की शरीर में डाला रॉड। हाईकोर्ट के फैसले से प्रेमी जोड़े को मिली नई मंजिल, मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी पर परिजनों को था एतराज, अदालत की दखल पर हुआ बयान। गोड़ा में जिलाधिकारी आवास के सामने एक युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, किरायेदार के रवैये को लेकर चल रहा था परेशान। बिहार के झंझारपुर में मिड डे मील खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मेरठ में भीड़ ने की चोर के आरोपी की बेरहमी से पिटाई, मौके से नदारत रही पुलिस। मुंबई से सटे ठाणे की 25 साल की महिला ने गैंगस्टर अबू सलेम से निकाह की मांगी इजाजत, टाडा अदालत में डाली याचिका। दिल्ली के पश्चिम बिहार में दिन दहाड़े 90 लाख के लूट, सेंट्रल सभा लुटेरों ने बैंक जा रहे कर्मचारियों को बना निशाना। माँ बाप ने नवजात बच्चे को रांची के रिम्स परिसर में लावारिस छोड़ा, आवारा कुत्तों ने बच्चे पर किया हमला, सरकार ने दिए जांच के आदेश। धनबाद से टाटानगर आने वाली स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के बाथरूम में मिली एक नवजात बच्ची, रेलवे प्रशासन ने अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नग्न अवस्था में मिली महिला की लाश, बोरी में बंधा शव। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक सवारों ने एक छात्रा के अपहरण की कोशिश की, लड़की के शोर मचाने पर फरार हुआ बदमाश। पश्चिमी दिल्ली में विकासपुरी के गंदे नाले में गिरी तेज रफ्तार कार, बाहर निकालने के लिए पुलिस को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। बिहार के नवादा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस को शक, बिहार चुनाव के दौरान इस्तेमाल की थी तैयारी। जम्मू के कठुआ में पुलिस कर्मी पर जानलेवा हमला, पंजाब से आ रही ड्रग तस्करों की गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था सिपाही। मुंबई के काला चौकी इलाके में एक प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस के पास किया सरेंडर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, शादी वाले घर में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग, चचेरे भाई बहन की मौत। दिल्ली से सटे नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर जानलेवा हमला, दो बदमाशों ने चलाई गोली, पत्नी के साथ दफ्तर से घर लौट रहे थे चंद्रपाल। फरीदाबाद में बाल सुधार गृह से फरार हुए दो बच्चे, पाइप पर चढ़कर फांदी दीवार, संतरी के खिलाफ भी मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में एक तांत्रिक पर पुलिस का शिकंजा, तंत्र क्रिया के लिए भाई के खून के इस्तेमाल का आरोप। मुंबई के घाटकोपर में मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग के साथ गैंगरेप, एक गिरफ्तार।
हादसे का शिकार हुई लखनऊ से दिल्ली जा रही वॉल्वो बस, दो की मौत, करीब डेढ़ दर्जन घायल। मध्य प्रदेश के सिवनी में ओवरटेक कर रही बस और एक बाइक सवार की सीधी भिड़ंत, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में एक इंजीनियर ने गोली मारकर की आत्महत्या, कुछ दिनों से डिप्रेशन में था अशफाक। धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए लेकर लुधियाना पहुंची दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही, होटल में संतोष सिंह सुखना ने की खुदकुशी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सांपों के जहर के साथ धरे गए 6 तस्कर, बाजार में करीब 100 करोड़ रुपए है कीमत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक सिक्योरिटी गार्ड को दो लोगों ने मिलकर सरेराह पीटा, छोटी सी बात को लेकर बढ़ा था विवाद। चेन्नई में दौड़ी मेट्रो ट्रेन, मुख्यमंत्री जयललिता ने दिखाई हरी झंडी, महिला ड्राइवर ने रचा इतिहास। 2018 तक दिल्ली मेट्रो में शामिल होंगे 162 नए कोचेस, जर्मनी की कंपनी को मिला ठेका। सीकर में 32 घंटे बाद सही सलामत बाहर निकाली बोरवेल में गिरी 5 साल की बच्ची, डीएम की देखरेख में प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। मुर्गी चोरी केस के बाद यूपी के राज्यपाल में पहुंचा रामपुर की बकरी चोरी का मामला, पुलिस ने नहीं दिया था मामला। राजस्थान के सवाई माधोपुर में समाधि के दौरान एक महिला की मौत, 72 घंटे में वापस लौटने का किया था दावा, घेर कर बैठे रहे गांव वाले। यूपी के बलिया में लोगों ने छेड़ी देसी तकनीक से फिल्टर बनाने की मुहिम, आर्सेनिक मिले पानी से परेशान है गांव वाले। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक मंदिर परिसर में जजों ने लगाया कोर्ट, दोनों पक्षों को बुलाकर सुलझाया ट्रस्ट से जुड़ा विवाद, 8 साल से चल रहा था केस। रांची के तमाड़ में हाथियों ने ऊंटों को खदेड़ा, गजराज के आतंक पर काबू के लिए ऊंटों की मदद ले रहा था वन विभाग। पुणे के जुनार इलाके में वन विभाग ने 6 साल के तेंदुए को पकड़ा, पिछले 2 महीने में पकड़े जा चुके हैं 10 तेंदुए। असम के बक्सा जिले में एक हथिनी ने अपने बच्चे को बचाया, करीब 10 घंटे तक की बड़ी मशक्कत। सूरत में युवकों ने शुरू किया तापी नदी के सफाई का अभियान, सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है।